जिसको जो चाहिए वो ले लो, जिसको जो चाहिए वो ले लो। ये भी है, ये भी है, बाबूजी है, ये भी है। बाबूजी क्या लग रहा है आपको? बाबूजी क्या लग रहा है? हम ही जीतेंगे 100%। तृणमूल का पूरा जो कैलकुलेशन है वो तो बेईमानी पे आधारित है। वो सब जगह में दीदी को ये रिपोर्ट दे रहा है कि कौन सा नेता, कौन सा गुंडा, कौन सा मंत्री कहाँ पे कितना रिगिंग कर चुके, कितना बूथ कैप्चर हुआ है। और एक सच्ची बात तो ये है कि बूथ कैप्चर्स भी हुए हैं, लोगों को डराया भी गया है, लोगों को घर से निकलने नहीं दिया गया है, बमबाजी, लोगों को डराने के लिए, लोकतंत्र को हत्या करने के लिए जो भी करना चाहिए था, जितने भी पैंतरे करने चाहिए थे, तृणमूल कांग्रेस ने सब कुछ किया। यहाँ पे आसनसोल में पूरी कायनात को खड़ी कर दी उन्होंने, सब कुछ सब तरीके से। तो जीत हमारी होगी। अगर कुछ आगे पीछे तृणमूल के जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी पोल्स एग्जिट पोल वगैरह दिखा रहे, मैंने सुना मुनमुन सेन जी ने साड़ी भी खरीदी है, वो उनको ये कन्विंस किया गया कि हमने बाराबनी में, पांडवेश्वर में, जामुरिया में बहुत रिगिंग कर लिया है, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है। बाकी सबको मालूम है आसनसोल में बीजेपी का जीत तय है और बीजेपी ही जीतेगी। सर सर पूरा फिगर क्या हुआ, एग्जैक्ट फिगर नहीं, ये तो आप दिखाएंगे, मैं देखूंगा, आप लोग दिखाते रहेंगे, हम देखेंगे, उसमें हम कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू।